हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की ड्रेस। ये 2 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस का साइज है। इसके लिए मैंने ये 2 स्ट्रिप्स काटी हुई हैं, ये चोली के लिए। इससे हम चोली बनाएंगे। तो इनकी जो हमने लंबाई जो है ये ली है हमने 3 इंच। 3 इंच हमने इसकी लंबाई ली है और 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। इसी तरह हमने दोनों ये स्ट्रिप की 3 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई ली है। ये लिए और लगाने के लिए, आगे बांधने के लिए हमने ये 2 डोरियाँ ली हैं और उसके डेकोरेट करने के लिए हमने लैस ली है। और इसकी हम लंबाई जितनी मर्जी रख सकते हैं, आप चाहे जितनी मर्जी रख, जितनी लंबाई होगी उतना ही घेरा होगा। और इसकी जो चौड़ाई है ये हमने ली है 4 इंच। ये 4 इंच हमने, ये देखिए पूरा 4 इंच लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चोली को तैयार करेंगे। तो इसको तैयार करने के लिए हम ये लेस लगाएंगे। ये आजकल लॉकडाउन के वजह से हमें दूसरी लेस नहीं मिल रही है, तो जो हमारे पास है ना उसी से हम काम चला रहे हैं। इसको ऐसे करके, ये जो हमारी ये डबल साइड है इस साइड को करनी है और ये इसको ढक देना जो ओपन साइड है उसको लगाना स्टार्ट कर। ये देखिए हमारी एक साइड तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरी साइड तैयार करेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड हमने लगा ली है। अब ऐसे करेंगे, इन दोनों साइड में से पकड़ के एक साइड से हमें सिलाई लगा, एक साइड ऐसे रहने देंगे, एक साइड हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने ये इसको बंद कर दिया अब सिलाई लगा के। अब हमने ऐसे करना है, इसको ऐसे करके सिलाई लगानी है, ऐसे करके इसको डबल कर देना है। इसको डबल करने के बाद इनके आमने सामने हमने इसको गोटा किनारे को ऐसे आमने सामने करना है और यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है। इसी तरह हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगा के ये देखिए ऐसे वी बनना चाहिए हमारे, ऐसे करके यहाँ से लड्डू गोपाल की बाजुएं डालेंगे। और ये देखिए, और ये हमारा पूरा घेरे की चौड़ाई आ गई, जितना हमारा घेरा है इसकी चौड़ाई आ गई। अब हम करेंगे नीचे के घेरा रेडी। इसको हम डबल कर देंगे ऐसे करके, ऐसे डबल करके और उसके ऊपर ये गोटा लगाएंगे, ऐसे दोनों साइड से गोटा लगा के हमें बता दें। ये देखिए हमने ये लगा लिए गोटे किनारे और इसके सब किनारे जो है हमने फोल्ड कर लिए हैं अच्छी तरह से, ताकि ये कपड़ा वगैरह निकले ना। अब हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे रिंकल डालने के लिए। इसमें आपने बखिया बड़ा कर लेना है। अब ये देखिए हमने इनके दोनों सिरों को पकड़ लिया, सिलाई लगा ली हमने डबल डबल सिलाई है। वो दोनों सिरों को ऐसे पकड़ के हम धीरे धीरे खींचेंगे इनको ऐसे करके, इससे हमारी इक्वल रिंकल पड़ेगी। आराम से खींचना है ताकि धागा ना टूटे।
अब ये देखिए, इसको ऐसे करके हम मेजरमेंट कर लेंगे बॉडी का कि हमारी रिंकल कम ज़्यादा कहीं कम तो नहीं है। ये देखिए, फिर इसी में हम इनको एडजस्ट कर देंगे। अभी हमने क्या करना है, इसकी सीधी साइड लेनी है और इसकी भी सीधी साइड लेनी है। फिर सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड ऐसे रख के सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। हम बक्की को फिर से छोटा कर लेंगे। अब ये देखिए, हमने इसको अटैच कर लिया है। ये देखिए, इसको हमने इसके साथ अटैच कर लिया। अब क्या करेंगे, जो हमने रिंकल डालने के लिए वो की थी, उस सिलाई को ढेर देंगे हम इसको। उसको निकाल देते हैं, सिलाई को एक्स्ट्रा सिलाई होती है। ये देखिए, हमने ये अब एक्स्ट्रा धागा निकाल लिया। अब हम इसके लगाएंगे डोरियां। ये आगे बांधने के लिए हम इसको, वैसे तो चेप्पी लगती है छोटी सी, लेकिन चेप्पी मेरे को अब अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लगाई हैं डोरियां। ये यहाँ पर इनको अटैच कर देना। अच्छी तरह से पक्का कर लें दोनों साइड से। इसी तरह हम दूसरी लगाएंगे। ये हमारी लगी। अब यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। अभी हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार होगी। आप भी घर में बनाएं और मुझे बताएं आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए, हमारी लड़कियों की ड्रेस रेडी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स,
अब ये देखिए हमारे कान, हमने कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना दी है। आपने कान लड्डू जी देखिए, आप कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।